नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज के एक और खास खबर में। रामनगर में हाई कोर्ट की स्थापना किए जाने की मांग को लेकर जनमंच के जरिए एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मौजूद अधिवक्ताओं के साथ ही विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के लोगों ने भागीदारी करते हुए हाई कोर्ट की स्थापना रामनगर में किए जाने की मांग की है। आपको बता दें कि अधिवक्ता अतुल अग्रवाल ने बताया कि पूर्व में हाई कोर्ट का निर्माण हल्द्वानी में किए जाने का प्रस्ताव तय हुआ था, लेकिन हल्द्वानी में जिस स्थान पर हाई कोर्ट की स्थापना होनी थी वहां पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के जरिए वन भूमि होने का हवाला देते हुए इस पर आपत्ति दर्ज कराई गई है, जहां उन्होंने कहा कि रामनगर के ग्राम तिरुमदारा क्षेत्र में आम पोखरा और धनपुर गुंसाई इलाके में राजस्व विभाग की 35 एकड़ भूमि है, जिसमें हाई कोर्ट की स्थापना पूरी तरह से हो सकती है और साथ ही सरकार को किसी भी प्रकार की ना तो परेशानी होगी और ना ही किसी विभाग से एनओसी लेने की आवश्यकता होगी। रामनगर में आने से सबसे बड़ा जो फायदा है वो जो रामनगर का विकास है उसमें चार चांद लगेंगे। पूरे उत्तराखंड के पूरे देश के लोग यहाँ आएंगे, यहाँ के पर्यटन में, यहाँ के व्यापार में, यहाँ हमारे जो बेरोजगार युवक हैं उनके भविष्य में ये एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि रामनगर जो है कुमाऊं गढ़वाल तराई पूरे उत्तराखंड का सेंटर है। रोडों की कनेक्टिविटी, ट्रेन की कनेक्टिविटी, हाईवे की कनेक्टिविटी, यहाँ का मौसम, यहाँ कार्बेट नेशनल पार्क का नज़दीक होना, होटल, और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि रामनगर में जो खाने पीने की या और आवास की व्यवस्थाएं बहुत सस्ती और सुलभ है। यदि हाईकोर्ट रामनगर में आता है तो रामनगर का चहुमुखी विकास होगा, और रामनगर का ही नहीं, जो रामनगर से जो लगे हुए इलाके हैं उनको रामनगर आना, चाहे वो हरिद्वार हो, देहरादून हो, पौड़ी हो, चमोली हो, उत्तरकाशी हो, कोटद्वार हो, ये सब लोग एक दिन में यहाँ आकर अपना काम, अपनी तारीख निपटा कर जा सकते हैं। इसलिए रामनगर के लिए जो ये मुहिम चलाई जा रही है वो पूरे उत्तराखंड की सुगमता के लिए भी चलाई जा रही है। हम कोई केवल रामनगर के लिए इच्छुक नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि रामनगर में जो भूमि है जिसके लिए ये हम प्रस्तावित भूमि हम बता रहे हैं वो राजस्व भूमि है, उसमें सरकार को एक पैसा भी खर्च नहीं करना है, ना किसी से एनओसी लेनी है, ना किसी से कब्जा लेना है। वो लगभग 35 एकड़ भूमि पीरू मदारा के आम पोखरा ग्राम और धनपुर गुसाई ग्राम में स्थित है और नियंत्रण में है, माननीय जो हमारे DM महोदय हैं उनके नियंत्रण में वो भूमि चली आ रही है, उसी भूमि में राजकीय पॉलिटेक्निक चल रहा है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो भूमि है उसका उपयोग हो और उसमें हाई कोर्ट बने, और 35 एकड़ ज़मीन है, काफ़ी है, 35 एकड़ ज़मीन बहुत है। अब जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का जो आदेश आया है अब उसके अनुसार भी बहुत है, तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि रामनगर में हाई कोर्ट की स्थापना हो। रामनगर में हाई कोर्ट की मांग को लेकर अब तमाम संगठनों ने अपना मोर्चा खोल दिया, जिसको लेकर रविवार को जनमंच के माध्यम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए अधिवक्ता अतुल अग्रवाल ने बताया कि हल्द्वानी जो गोलापार में हाई कोर्ट के लिए जगह दी गई थी वहाँ पर वन पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वन भूमि का हवाला देते हुए आपत्ति लगा दी गई, जिसके बाद अब गोलापार में हाई कोर्ट का निर्माण होना पूरी तरह शून्य हो चुका है। उन्होंने बताया कि रामनगर कुमाऊं गढ़वाल और तराई का केंद्र बिंदु है, जिसको लेकर यहाँ पर हाई कोर्ट की स्थापना यदि होगी तो सभी क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ होगा। वहीं यातायात की जो है सुगम व्यवस्था है, चाहे जो है रेल की बात करें या बसों की बात करें और सड़कों की बात करें, कनेक्टिविटी के कारण यहां लोगों को इसका लाभ मिलेगा और जो हाई कोर्ट में आने वाले वादकारी हैं उनको भी इसका लाभ पूरी तरह मिलेगा। उन्होंने बताया कि पुरुमदारा क्षेत्र में आम पोखरा और धनपुर गुसाई क्षेत्र में राजस्व विभाग की 35 एकड़ भूमि है जो राजस्व विभाग के नियंत्रण में, और उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार को किसी भी विभाग से ना तो कोई NSU लेनी है, ना किसी प्रकार की कोई कागजी प्रक्रिया पूरी करनी है, और इसमें सरकार को आसानी से हाईकोर्ट के लिए 35 एकड़ की भूमि मिल सकती है जो कि हाईकोर्ट के निर्माण के लिए काफ़ी है। उन्होंने कहा कि रामनगर में बड़ी रेल लाइनों को लेकर भी एक बड़ा आंदोलन कई वर्षों पूर्व यहाँ के लोगों ने किया था, लेकिन अब उन्होंने बताया कि लगता है कि रामनगर में जिस प्रकार से रामनगर का विकास पूरी तरह पटरी से उतर चुका है हाईकोर्ट बनने के बाद, रामनगर का विकास भी तेज़ी से बढ़ेगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि रेल लाइन की जैसा एक आंदोलन आज करने की आवश्यकता पड़ी, और उन्होंने क्षेत्र के लोगों के साथ ही सभी इलाकों के लोगों से इस भागीदारी हाईकोर्ट
बोर्ड की स्थापना रामनगर में किए जाने की मांग को लेकर भारी संख्या में जुड़ने की अपील की है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जेजेएन न्यूज। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर भाजपा कांग्रेस के साथ सभी राजनीतिक पार्टियों ने मतदाताओं को रिझाने के लिए अभी से ही वादे करने शुरू कर दिए हैं, जिसको लेकर रविवार को युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुमित लोहनी ने आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि आज देश प्रदेश का युवा रोजगार को लेकर दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान केंद्र और राज्य की सरकारों ने युवाओं को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। चुनाव से पहले रोजगार देने के वादे किए, लेकिन सत्ता में आसीन होने के बाद सरकार युवाओं से किए गए वादों को भूल गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने युवाओं की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए इस बार देश में सरकार बनने पर युवाओं को युवा न्याय गारंटी के तहत 5 वादे किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि 30 लाख सरकारी पदों पर तत्काल स्थायी नियुक्ति की गारंटी, पेपर लीक से मुक्ति समेत युवाओं को 5 गारंटी दी है। उन्होंने कहा कि इस बार देश की जनता भाजपा के खिलाफ वोट कर कांग्रेस को मजबूत करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या है पूरा मामला? देखिए, आज ही हमने युवा कांग्रेस के माध्यम से पूरे प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस और पूरे देश में युवा कांग्रेस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। इसमें हमारे युवा न्याय गारंटी, हमारे जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा युवा न्याय गारंटी दी जा रही है, जिसमें भर्ती भरोसा, 30 लाख सरकारी नौकरी, पहली नौकरी पक्की, हर डिग्री में डिप्लोमा धारक, 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष स्टाइपेंड और गिर इकोनॉमिक में सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, युवा रोशनी मिलेगी, जिसमें 5 करोड़ राष्ट्रीय कोष से जिला स्तर में युवाओं को दिए जाएंगे, पेपर लीक जैसे से मुक्ति, ऐसा कानून हमारे देश में आने वाला है और ये लोकसभा चुनाव में हमारे जो कांग्रेस की हमारे युवाओं को गारंटी जा रही है, इसकी आज हमने लॉन्चिंग कर रहे हैं और इस युवा न्याय गारंटी के माध्यम से हम हर एक युवाओं को ये गारंटी देने जा रहे हैं। यूथ कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने मतदाताओं को रिझाने को लेकर अभी से ही अपने वादे शुरू कर दिए हैं, जिसको लेकर आज रामनगर में रविवार को युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुमित लोहनी ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा देश और प्रदेश के युवाओं को गारंटी को लेकर 5 जो है न्याय गारंटी योजना के तहत जो है अभियान शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि इस न्याय गारंटी की जो 5 गारंटी युवाओं को दी गई है, उसमें बताया कि लाखों की संख्या में युवाओं को जहाँ को रोजगार देने की बात में कही गई है, तो वहीं पेपर लीक जैसे मामलों से भी मुक्ति दिलाने का वादा युवाओं से किया गया और उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर आज से ये जो योजना है इसकी आज से लॉन्चिंग पूरे उत्तराखंड में कर दी गई है और उन्होंने बताया कि निश्चित तौर पर आज वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर युवा खासा परेशान है, बेरोजगार हो चुका है, लेकिन सरकार ने आज तक युवाओं के लिए कोई काम नहीं किया, सिर्फ चुनावी वादे तक जो है युवाओं को छलने का काम किया और चुनाव जीतने के बाद भाजपा ने अपने जो युवाओं को जो वादे किए थे उसको पूरी तरह भूल चुकी है, जिसको लेकर आज देश और प्रदेश का युवा रोजगार की तलाश में भटक रहा है। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर यदि कांग्रेस की सरकार केंद्र में बनती है तो निश्चित तौर पर युवाओं की जो भागीदारी है वो इन जो गारंटी सरकार जो कांग्रेस ने दी है, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दी है, उससे लेकर युवा कहाँ से प्रभावित है। और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जो 5 सीटें हैं उसमें भी इस बार कांग्रेस का अच्छा परचम लहराया जाएगा। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जेजेएन। ये थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल की खास खबर। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।